मन में बसा बैर विनाश का कारण बनता है। तो अपने मन में कभी भी कटु भाव मत आने दो, क्योंकि बाहर के शत्रु से लड़ने से अधिक आवश्यक अंतर मन के शत्रु से लड़कर उसे परास्त करना होता है। शंखचूड़ा, तुम एकमात्र असुर ऐसे हो जिसने युद्ध का नहीं संधि का मार्ग चुना। मुझे तो तुम पर गर्व है। घर लौट जाओ शंखचूड़ा। एक पतिव्रता पत्नी अपने पति की प्रतीक्षा कर रही है, और तुम्हें तो अपनी पत्नी से प्रेरणा लेनी चाहिए, जीवन जीने का अर्थ समझना चाहिए। किसी पर पुरुष की परछाई भी अगर मुझ पे पड़ गई तो मेरा पतिव्रता धर्म टूट जाएगा। मुझे मेरे अपराध के लिए क्षमा करना तुलसी, किंतु जन कल्याण के लिए मुझे तुम्हारे इस पतिव्रता व्रत को तोड़ना होगा, तोड़ना होगा, तोड़ना होगा। सृष्टि का भक्ति साधना का मार्ग है वो मुक्ति का। संग संग चंद्रमा रहे जिनके ललाट पे वो चंद्रशेखरा। अंग अंग भस्म शाही है त्रिपुंड धारी वो त्रिपुर सुंदरा। है कोमल करुणामय वो प्रेम से भरा। महादेव महादेव महादेव, भक्त पुत्र के भांति मुझे भी इस ब्रह्मांड में हंसी का पात्र बनाना चाहते हैं आप? इस संसार के आगे कार्य करना चाहते हैं? युद्ध कीजिए महादेव, औषधि लगाकर तुम वेद राज दिखाकर संसार को मूर्ख बना सकते हैं आप, शंखचूड़ को नहीं। मुझे नहीं भटका सकते आप, आपका वध ही मेरा लक्ष्य है, आपका वध ही मेरा लक्ष्य है, आपका वध ही मेरा लक्ष्य है। शंखचूड़, मेरी बात को समझने का प्रयास करो, अन्यथा बहुत बुरा होगा परिणाम। महादेव, सौगंध है आपको आपके पुत्र की, पुत्र की, पुत्र की, आपकी पत्नी की, पत्नी की, पत्नी की। उठाइए अस्त्र और कीजिए युद्ध, और कीजिए युद्ध, और कीजिए युद्ध। सावधान शंखचूड़, क्षमा और सामंजस्य की सारी सीमाएं लांघ चुके हो तुम, और यदि तुम्हारी युद्ध करने की इच्छा है तो करो युद्ध, तो करो युद्ध, तो करो युद्ध। देवों के देव
महादेव है ना आप, सर्वश्रेष्ठ सर्वशक्तिशाली। चलिए प्रहार का पहला अवसर मैं आपको देता हूं। सौगंध से बने हैं, युद्ध तो करना ही होगा, करना ही होगा, करना ही होगा। तथास्तु। जब तक मेरे पास मेरी पत्नी तुलसी के पति व्रत की शक्ति का भेद कवच है, तब तक आप भी मुझे क्षति नहीं पहुंचा सकते महादेव। मुझे कैसे भी अपनी परछाई तुलसी के ऊपर डालनी होगी, जिससे कि उसकी पतिव्रता धर्म टूट सके। ये क्या कर रही है तुलसी? सदा की भांति आपकी आरती उतारने की तैयारी कर रही हूँ। अजय हूँ मैं, महाकाल भी मेरा काल नहीं बन सकते। तुलसी, तुम मुझसे दूर क्यों भाग रही हो? लगता है जैसे मेरे प्रतिबिंब से भी डर रही हो। आप तो जानते हैं ना, अपने पतिव्रता व्रत को अखंडित रखने के लिए किसी भी पर पुरुष की परछाई भी मुझ पर पड़ने नहीं दे सकती। किंतु या तो मेरे सिवा और कोई नहीं है तुलसी। Ha 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 ha!
ये कैसे हुआ? कुछ नहीं, मैं बस प्रसन्न हूँ कि आप विजयी होके सुरक्षित लौट आए। देवी पार्वती, महादेव की विजय के लिए आप शीघ्र ही यज्ञ का अनुष्ठान कीजिए। शंखचूड़ का जो आप बल देख रही हैं, वो केवल शंखचूड़ का व्यक्तिगत बल नहीं, उसकी पत्नी का बल उसके साथ है। देवी, तो शिव के साथ शक्ति का भी बल होगा। शंखचूड़ की मूर्खता, हट और बल के अहंकार के कारण असुर साम्राज्य के सेनापति नमुची अपने प्राण गवाह बैठे। अब शंखचूड़ की रक्षा, उसके प्राणों की रक्षा कोई कवच, कोई वरदान नहीं कर पाएगा। अब शंखचूड़ की मृत्यु अटल है, अटल है, अटल है। मैं बचाऊंगी शंखचूड़ को। वो मेरी बात नहीं मानता, परंतु मैं असुर माता हूं, अपना कर्तव्य निभाऊंगी। शंखचूड़ को तब तक कोई नहीं मार सकता जब तक उसकी पत्नी तुलसी का पतिव्रता धर्म अखंडित है। मैं तुलसी को संसार से छुपा कर रखूंगी, वहां जहां उसका पतिव्रता व्रत कोई खंडित नहीं कर सकता। अपने महादेव को परास्त कर दिया। महादेव ने स्वयं अपनी हार मान ली। उन्होंने कहा कि तुम अति शक्तिशाली हो और तुम्हारे बल को बढ़ाता है तुम्हारी पत्नी का पतिव्रत, इसलिए मैं तुम्हें विजयी घोषित करता हूं और तुम्हारी इच्छा के बिना मैं कहीं नहीं रहूंगा। अब जब महादेव मेरे सामने ही नहीं रहेंगे तो मृत जैसे ही हुए ना, तो अब विजय का उत्सव मनाएं। पतिव्रता से बड़ी कोई शक्ति नहीं है महादेव।
असुर माता? रुको तुलसी, ये क्षण हमारी विजय का उत्सव मनाने का है, असुर माता को मनाने का नहीं। असंभव है, असंभव है। तुलसी, अवश्य ही कुछ अनिष्ट घटने वाला है, सावधान हो जाओ तुलसी। स्वामी, आप सभी ने वृक्ष तो कहीं देखे होंगे ना, वृक्ष का स्वभाव उस पर लगने वाले फल पर अवश्य पड़ता है। आम का फल सदैव मीठा होता है और नीम की निम्बोली सदैव कड़वी। किंतु आप जानते हैं कि एक वृक्ष ऐसा भी है जो स्वयं तो कड़वा होता है परंतु उस पर लगने वाला फल सदैव मीठा होता है। नहीं समझे? मैं समझाता हूं। मैं धैर्य की बात कर रहा हूं। किसी कठिन परिस्थिति में धैर्य रखना अति कष्टप्रद है, किंतु उस पर लगने वाला फल, उसका परिणाम सदैव मीठा होता है। इसलिए मन चाहे कितना ही खिन्न क्यों ना हो, धैर्य के साथ कभी ना छोड़ें, फिर आप देखिएगा परिणाम अच्छा ही होगा।